केटी द मैट ट्यूअर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूले की। अब ये मल्टीपल फॉर्मूले क्या होते हैं? मल्टीपल फॉर्मूले तो वो होंगे जैसे साइन टू ए, साइन थ्री ए, इस तरह से। और जो सब मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं वो आपके होंगे साइन ए से ए वाई टू की तरफ या ए वाई टू से ए की तरफ। तो चलिए इनका प्रूफ भी देखेंगे और कौन कौन से फॉर्मूले अपने यूज में आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है अपना यहां पर साइन टू ए इक्वल होता है आपका टू साइन ए कोस ए। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे होगा। तो चलिए, आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी आपका होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां अगर मैं एक काम करूं कि यहां पर b को भी मैं अगर a ही लिख दूं, b इक्वल a मान लूं, तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा a प्लस a इक्वल साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a। तो ये आपका इस तरह a और a हो रहा है यहां पर 2a, और ये साइन a कॉस a और ये साइन a कॉस a आपका जुड़कर क्या हो रहा है यहां पर 2 साइन a कॉस a, ठीक। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला अपन देखते हैं साइन 2a का ही टेन के टर्म्स में। देखिए, साइन 2a का टेन के टर्म्स में अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो ये आपका होता है 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहां मैं आपको इसका करा दे रहा हूं प्रूफ। अभी आपने प्रूव किया था साइन 2a इक्वल टू साइन a कोस a, ठीक। जस्ट अभी फर्स्ट में अपन ने यही प्रूव किया है, चलिए ठीक है। तो यहां एक काम करेंगे, साइन 2a इक्वल, आप सभी जानते हो कि 2 साइन a कोस a अपॉन, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं अपन। और अपन ने आइडेंटिटी ये तो पढ़ी ही हुई है कि भाई कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस 1 को मैं यहां लिख सकता हूं, चलिए ठीक है। तो साइन 2a इक्वल आपका हो जाएगा 2 साइन a कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। अब आपको फॉर्मूले में क्या लाना है, टेन लाना है। तो जैसा कि आप जानते हो टेन क्या होता है, टेन आपका होता है यहां पर साइन अपॉन कॉस। टेन लाने के लिए आपको कॉस का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और यहाँ कॉस स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर है। तो जितने भी टर्म्स हैं अपन उन सभी को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर से। तो यहाँ जब आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। यहाँ कॉस स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ आपका साइन अपॉन कॉस यानी ये आपका हो जाएगा 10। तो ये भी आपका साइन अपॉन कॉस एट लास्ट 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना हुआ 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका हो गया साइन 2a के 10 के पदों में। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कॉस 2a का फॉर्मूला जो कि कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका भी अपन देखते हैं यहां पर प्रूफ। जैसा कि अपन जानते हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा हुआ है, ये आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला अपना, ये कॉस ऑफ ए प्लस बी का। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको बी को किसके इक्वल मानना है, ए के इक्वल मानना है, चलिए ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहां पर ए प्लस ए इक्वल कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, और ए प्लस ए आपका हो रहा है 2a, और ये कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये आपका प्रूफ हो गया आपका फॉर्मूला कॉस 2a इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो फोर्थ नंबर पर आपके सामने है कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस के टर्म्स में। तो ये क्या होता है आपका, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। तो इसका अगर अपन प्रूफ देखें
तो ये आपका, अभी आपने जस्ट ही प्रूव किया था कि cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यही प्रूव किया था। चलिए ठीक है, आइडेंटिटी आप सभी जानते हो कि sin स्क्वायर a इक्वल क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो ये आप इसमें पुट कर देंगे, तो cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका, और ये ऐड करके हम लिख देंगे cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a क्या हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। तो अब आपके सामने cos 2a का फॉर्मूला sin के टर्म्स में, जो कि होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, प्रूफ कैसे होगा चलिए वो देख लेते हैं। तो अभी जस्ट ही आपने प्रूव किया था cos 2a इक्वल 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो देखिए ये क्या स्टेप वाइज प्रोसेस है, आपने फर्स्ट से सेकंड प्रूव किया, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, बस यही अपने को सीक्वेंस आगे चलाते रहना है। चलिए तो देखते हैं ये कैसे प्रूव होगा। आप सभी जानते हैं कि cos स्क्वायर a की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो 10th लेवल की आइडेंटिटी है, सिंपल है। तो चलिए यहाँ ये पुट कर देंगे, तो cos 2a इक्वल टू इंटू cos स्क्वायर a का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये माइनस का 1, तो cos 2a इक्वल 2 बन जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आपका cos 2a का प्रूव हो गया, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर, ये हो गया आपका cos 2a, ठीक, किसके टर्म्स में, साइन के टर्म में। अब अपन देखेंगे cos 2a का फॉर्मूला 10 के टर्म, देख रहे हैं cos 2a का फॉर्मूला 10 के टर्म्स में, जो कि है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसका प्रूफ भी देखेंगे अपन। तो अभी आपने जो है cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक, ये तो अपन सबने पढ़ाई है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि यहां मैं अपॉन में इसके क्या लिख सकता हूं 1, और जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1 को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, तो ये आइडेंटिटी यहां लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, यहां मैं क्या करूंगा डिवाइड बाई cos स्क्वायर a, पूरी लाइन को अपन किससे डिवाइड कर दे cos स्क्वायर a से, तो ये आपका हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a ये आपका हो गया 10 स्क्वायर a, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1, और यहां भी साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a ये आपका हो गया 10 स्क्वायर a। तो इस तरह से ये cos 2a इक्वल आपका आ जा रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। चलिए अब हम चलेंगे tan 2a की ओर। अब आपके सामने tan 2a का फॉर्मूला 10 के टर्म्स में, जो कि है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब इसमें और sin 2a में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कभी कभी, क्योंकि sin 2a का था 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, जबकि इसका है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है, साइन टू में प्लस है और इसमें माइनस है, प्रूफ कैसे होगा चलिए वो देख लेते हैं, है ना। देखिए आप लोगों ने टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या थी आइडेंटिटी इसकी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक, ये पहले के वीडियोस में मैंने बताया था इसका। देखो ये मैं बार बार कहता रहता हूं कि अगर कोई, जैसे मान लो ये वीडियो है, ये पार्ट नंबर 17 है, अगर मान लो आपको पूरी पकड़ कंसेप्ट में बनानी है, तो आप क्या है कि पहले वो 16 पार्ट देखिए, है ना, पहले वो 16 पार्ट जब आप देख लेंगे तो एक रिदम बन, एक तो आपका एक रिदम बनेगा, एक फ्लो बनेगा, जिससे कि ये पार्ट भी समझ में आएगा और आगे के टॉपिक इसी सीक्वेंस में मैं डालूंगा, तो ये सारे आपकी समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहां अपन एक काम कर रहे हैं, हर बार की तरह मैं बी की जगह भी क्या लिख दे रहा हूं, ए लिख दे रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा टेन ए प्लस ए इक्वल,
इधर अपन करें तो ये आपका हो जा रहा है टेन ए प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो इधर ये आपका हो जाएगा ए प्लस ए यानी टू ए, और टेन ए क्या हो जाएगा टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले प्रूव हुए साइन टू ए कॉस टू ए एंड टेन टू ए। आगे कुछ फॉर्मूलों को और देखते हैं। नंबर एट पर साइन थ्री ए इक्वल थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए। तो देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। वही आइडेंटिटी रहेगी अपनी पहले वाली, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप सभी जानते हो कि ये होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आपने देखा जब मैंने 2a को प्रूव किया था तो b की जगह a माना था, लेकिन अब हम b की जगह a नहीं लेके हम b की जगह क्या लेंगे 2a। ठीक है, जहां भी b आपको दिख रहा हो आप किसको रिप्लेस कर देंगे 2a को। चलिए देखते हैं। तो साइन ऑफ a प्लस b की जगह ये आपका हो गया 2a, और ये हो गया साइन a इंटू कॉस 2a प्लस कॉस a इंटू साइन 2a। तो साइन ऑफ ए और टू ए आपका एड होके हो रहा है थ्री ए और साइन ए इंटू। अब देखिए फॉर्मूला आपको किसके टर्म्स में प्रूव करना है, साइन के टर्म्स में, और यहां आपका आ क्या रहा है कॉस टू ए। तो आप सभी जानते हो कि कॉस टू ए का साइन के टर्म्स में क्या फॉर्मूला था कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, है ना। चलिए वो अपन लगा देते। तो कॉस टू ए का आपका हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये कॉस ए आपका चली रहा है इंटू साइन टू ए का आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, ये आपका हो जाता है टू साइन ए कॉस ए। चलिए तो इधर देखना साइन थ्री ए इक्वल, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस कॉस ए, और कॉस ए का इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका चल रहा है टू साइन ए, और इसमें आप कोसे और कोसे का ये आपका हो गया कोस स्क्वायर ए। तो साइन थ्री ए इक्वल ये आपका यहाँ पर, अब जैसा कि आप देख रहे हो कि हमें फॉर्मूला साइन के टर्म्स में लाना है तो कॉस का कोई काम है नहीं, तो कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगेगी जो कि आप सभी जानते हो कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, ये टू साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो साइन थ्री ए इक्वल, अब ये साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस टू साइन ए का वन में करेंगे टू साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। तो चलिए अब इसका लास्ट स्टेप और देख लेते हैं। साइन ए और टू साइन ए क्या हो गया आपका, ये हो गया थ्री साइन ए, और टू साइन क्यूब ए और टू साइन क्यूब ए ये हो गया आपका फोर साइन क्यूब ए। तो इस तरह से हमने ये कर लिया प्रूव थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। कॉस थ्री ए का फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। तो आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है कॉस ऑफ ए प्लस बी की, जो कि आपकी होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। तो यहां हर बार की तरह मैं बी की वैल्यू क्या रख दूंगा, टू ए रख दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस टू ए इक्वल कॉस ए इंटू कॉस टू ए माइनस साइन ए इंटू साइन टू ए। तो यहाँ आपका a और 2a ऐड होके हो रहा है 3a cos a into। अब देखिए आपको ये पूरा फॉर्मूला किसके टर्म्स में लाना है, cos के टर्म्स में लाना है। तो यहाँ cos 2a का फॉर्मूला पिछली बार मैंने sin का लगाया था, अब मैं लगाऊंगा cos का। तो आप जैसा कि जानते हो कि cos 2a का sin के टर्म्स में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। ठीक, और इसी का फॉर्मूला cos के टर्म्स में होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हमें दोनों में से कौन सा चूज करना है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चलिए वो मैं किसकी जगह लगा दे रहा हूं, cos 2a की जगह। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a इंटू साइन 2a का आपका फॉर्मूला हो गया 2 sin a cos a। चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं।
तो कॉस ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos³a - cos a, और ये आपका 2 cos a को अगर मैं अलग कर लूं तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हम सभी जानते हैं ये होती है 1 - cos² a। तो चलिए अब ये मैंने लगा दी यहां पर, सॉरी है 1 - cos² a। तो ये आपका, चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 cos³a - cos a माइनस 2 cos a माइनस माइनस प्लस का 2 cos³a हो जाएगा। तो इसका लास्ट स्टेप 2 और 2 हो गया आपका 4 cos³a, और 2 और 1 ये आपका हो गया यहां पर 3 cos a। तो ये 4 cos³a माइनस हो गया आपका 3 cos a, क्लियर। चलिए अब हम नंबर 10 पर चलेंगे, फॉर्मूला देखेंगे tan³a। तो यहां पर अपन आइडेंटिटी ले लेते हैं tan ऑफ a प्लस b की, जो कि आपकी होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a * tan b, ठीक है ना। और हर बार की तरह जैसा कि आपको पता है b की जगह हम रख देंगे 2a, ठीक। एक आइडेंटिटी आपको बीच में ध्यान रखनी है tan 2a की, जो कि अभी मैंने इसी वीडियो में प्रूव करी थी, 2 tan a upon 1 - tan² a, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी को आप ध्यान रखना। तो चलिए यहां लगा लेते हैं tan ऑफ a प्लस b की जगह क्या हो जाएगा आपका 2a इक्वल tan a प्लस tan b की जगह ये आपका हो गया 2a अपॉन 1 - tan a * tan 2a, ठीक है ना। तो ये आपका a प्लस 2a क्या हो गया 3a, और यहां अब मैं tan 2a की आइडेंटिटी रख दूंगा तो tan a प्लस tan 2a का क्या हो जाएगा 2 tan a upon 1 - tan² a, और यहां 1 - tan a * यहां भी आइडेंटिटी लगेगी, क्या आइडेंटिटी 2 tan a upon 1 - tan² a, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा आप ध्यान देना, तो tan 3a इक्वल, अब यहां देखिए 1 - tan² a आपका एलसीएम में कैंसिल होगा, और एलसीएम में कैंसिल होने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहां मैं इसका करूंगा क्रॉस tan a का दोनों में, है ना। तो ये आपका हो जाएगा tan a माइनस tan क्यूब ए, और प्लस में ये क्या चल रहा है आपका 2 tan a, ठीक है ना। अपॉन में भी वही कहानी है कि ये कैंसिल होने से पहले यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 1 - tan² a का 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 - tan² a, और tan a का 2 tan a में इंटू हो जाएगा आपका 2 tan² a, ठीक। अब फाइनल स्टेप इसकी देख लेते हैं, तो ये अब आप ऐड कर दोगे तो tan a और 2 tan a ये आपका हो गया 3 tan a, माइनस का आपका चल रहा है tan क्यूब a, अपॉन में देखते हैं अपॉन में क्या है 1 माइनस ये आपका tan स्क्वायर a और 2 tan² a ऐड होकर आपका हो जाएगा 3 tan² a। तो फाइनली आपका क्या हो गया 3 tan a - tan³ a upon 1 - 3 tan² a, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो अब तक हम देख रहे थे मल्टीपल फॉर्मूले, और अब हम देखेंगे सब मल्टीपल फॉर्मूले। वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन आप इसमें लास्ट तक बने रहें क्योंकि एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। सब मल्टीपल फॉर्मूले और मल्टीपल फॉर्मूले दोनों ही बड़े काम की चीज है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सब मल्टीपल के हर कॉम्पिटिशन में जरूर आते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि a से a/2 में कन्वर्ट होने वाले फॉर्मूले कौन से हैं। तो चलिए नंबर 11 पर आपका है साइन a इक्वल 2 sin a/2 * cos a/2, ये वही सिमिलर टर्म है जैसे आपने देखा था कि भाई साइन 2a का फॉर्मूला आपका क्या था, ये था आपका 2 sin a cos a। तो जब आप इधर एंगल हाफ करेंगे तो यहां भी एंगल क्या होगा, हाफ होगा। जैसे आप 2a की जगह जब a को लाओगे तो यहां भी a की जगह क्या होगा a/2, तो वो सिंपल पैटर्न है। चलिए नंबर 12 पर अगर मैं साइन a का tan के टर्म्स में लिखूं तो 2 tan a/2 upon 1 + tan² a/2 हो जाएगा। नंबर 13 अगर हम साइन a
ये सॉरी इसमें कोसे है। अगर हम कोसे का देखें तो ये आपका हो जा रहा है कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। चलिए नंबर 14 पर कोस ए का कोस के टर्म्स में देखें तो टू कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, और अगर हम कोस ए का साइन के टर्म्स में देखें तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। नंबर 16 पर कॉस ए का टेन के टर्म्स में देखें तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए वाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए वाई टू हो जाएगा। और नंबर अपन 17 पर अगर कॉस ए का ये सॉरी टेन ए का फॉर्मूला देखें तो ये आपका था टू टेन ए वाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए वाई टू। तो ये सभी फॉर्मूले हैं सम मल्टीपल फॉर्मूले, और ये कौन से हैं ए से ए वाई टू में ले जाने के लिए, ठीक है ना। जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको ए से ए वाई टू में जाना है, इसकी जरूरत अपने को तब पड़ेगी। अब अपन इसका रिवर्स देखेंगे, यानी ए वाई टू से ए में कैसे लौटना है ना। तो ध्यान से देखें, तो फिर से अपन सम मल्टीपल फॉर्मूले पर चल रहे हैं, और अब की बार हम बात करेंगे ए वाई टू से ए में चलने की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान से देखें। जैसे साइन ए वाई टू का मान लो किसी ने आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट वन माइनस कॉस ए वाई टू, क्लियर। अब इसका यूज कैसे करते हैं देखिए, किस तरह के क्वेश्चन में इसका यूज आएगा, एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। जैसे मान लो किसी ने आपसे ये साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछ ली है ना, अब इसको मान लो आपको निकालना है, तो अब इसे कैसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो 22.5 है ना 22.5 डिग्री है, वो कैसा है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 से कम है, तो वो 90 से कम होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा, और पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए यहां पर माइनस का कोई काम नहीं रहेगा, ये आपका डायरेक्ट आएगा प्लस, ठीक। अब आप कहोगे एक ही जगह क्या लगाना है, तो भाई ये जो आपका 22.5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 45 डिग्री अपॉन टू। तो यहां पर आप अगर इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करें तो एक ही वैल्यू क्या आ रही, 45, वो यहां लग जाएगी, तो ये आपका हो गया कॉस 45 अपॉन टू। अब इसको आप कर देंगे सॉल्व, तो कॉस 45 वन बाई रूट टू और अपॉन में टू, यहां आप ले लेंगे एलसीएम, क्या हो गया रूट टू, और एलसीएम होने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया आंसर किसका, साइन 22.5 डिग्री का, ठीक। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखते हैं। तो नंबर 19 पर हमारे सामने फॉर्मूला है कॉस ए वाई टू का प्लस माइनस रूट वन माइनस कॉस ए वाई टू। देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज क्या हो सकता है ना। ये भी एक सम मल्टीपल फॉर्मूला है, ए वाई टू से आपको कहां ले जा रहा है, ए की तरफ ले जा रहा है। चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया साइन 67 डिग्री एंड हाफ, ठीक, साइन 67.5 डिग्री का फॉर्मूला है, तो इसका देखते हैं क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इसको मैं 135 डिग्री अपॉन टू लिख सकता हूं, क्लियर। अब आप यहां से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो एक ही वैल्यू क्या हो रही, 135, उसको ही मैं यहां पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में। अब यहां पर एक बात समझने की है कि ये भी 90 से छोटी वैल्यू है, तो 90 से छोटी वैल्यू है तो ये भी प्लस में ही आएगी, है ना, तो यहां भी अपने को प्लस उठाना है, ठीक है। तो ये रूट वन माइनस आपका हो गया कॉस 135 अपॉन टू, तो रूट वन माइनस। अब यहां रही बात कॉस 135 की, तो वो वैल्यू चलिए यहां निकाल लेते हैं। आप जानते हो 135 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 45, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आपका 1/√2 हो रहा है यहां पर, है ना। चलिए माइनस माइनस हो गया, प्लस 1/√2 अपॉन टू, और यहां आप देख सकते हो एलसीएम में हो जाएगा आपका रूट टू, क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा रूट टू प्लस वन, ठीक, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 20। तो चलते हैं फॉर्मूला नंबर 20 में, टेन ए वाई टू का फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस वन माइनस कोसे अपॉन वन प्लस कोसे का रूट। अब इसमें एक एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में,
और ये बोर्ड में तो कई बार आ चुका है, चलिए तो देखते हैं इसमें 10 पाई बाई 8 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं कैसे निकलेगी। इसमें इसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो देखिए 10 पाई बाई 8 ये अभी किस में लिखा है, रेडियन में लिखा है। अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं तो ये आपका 180 डिग्री अपॉन 8 हो रहा है, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 45 अपॉन 2 हो रहा है। अब अगर इसको और इसको कंपैरिजन करो तो आप एक ही वैल्यू क्या आ रही 45, ये इसके फॉर्मूले में आप रख देंगे। और रही बात इसकी कि जो 45 अपॉन 2 है ये भी 90 से छोटा है इसलिए यहाँ भी प्लस ही आएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ रूट 1 माइनस कॉस 45 अपॉन 1 प्लस कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 हो गई है और यहां भी आपकी 1 बाई रूट 2। तो रूट ऑफ या एलसीएम में रूट 2 कैंसिल होगा लेकिन कैंसिल होने से पहले क्रॉस भी होगा, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। आप यहां इसका परिमेयकरण यानी कंजुगेशन कर सकते हैं, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन ये रूट 2 प्लस 1 है, आप ऊपर नीचे इंटू कर देंगे किसका, रूट 2 प्लस 1 का, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहां पर ये सॉरी प्लस है तो माइनस का कंजुगेशन होगा, है ना। तो ऊपर रूट 2 माइनस 1 का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो ये आपका रूट 2 का रूट 2 में 2 माइनस 1 हो जाएगा और होल स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करके रूट 2 माइनस 1 बनाएगा। 2 माइनस 1 तो 1 है ही, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 पाई बाई 8। ठीक, इसी में चलिए एक आध क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। तो आज जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि IIT 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन 10 माइनस रूट 3 अपॉन कॉस 10। ठीक, तो इसमें ये मल्टीपल फॉर्मूला किस तरह काम आएगा, चलिए एक बार वो देखते हैं, आप ध्यान से देखना। चलिए तो यहां पर अपन सिंपली एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम क्या है, साइन 10 इंटू कॉस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 इंटू कॉस 10 माइनस रूट 3 साइन 10 हो जाएगा। यहां अब मैं एक काम कर रहा हूं, देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि भाई 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, ये आपका होता है साइन 2 ए, ठीक है ना। चलिए और एक आइडेंटिटी आपने ये भी पढ़ी होगी कि ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि भाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ ए माइनस बी की, है ना। चलिए अब ये दोनों आइडेंटिटी यहां किस तरह लगेंगी आप वो ध्यान देना। सबसे पहले ऊपर में क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये 1 बाई 2 इंटू आपका कॉस 10 माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू साइन 10। नीचे आप क्या करेंगे, नीचे 2 से डिवाइड पहले करना है इंटू बाद में करना है, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक, ये 2 आपका ऊपर गया, 2 2 सा हो गया 4। अब यहां थोड़ा आप देखना यहां पर, तो ये 1 बाई 2 को अगर मैं मान लो लिख लूं साइन 30 तो ये हो गया साइन 30 कॉस 10 और रूट 3 बाई 2 को लिख लूं कॉस 30 तो कॉस 30 इंटू साइन 10 अपॉन में आपका चल रहा है ये 2 साइन 10 इंटू कॉस 10। अब यहां पर आप आइडेंटिटी लगा देंगे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर आप इसको a और इसको b समझें तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो ये आपकी आइडेंटिटी किसकी बन रही है, साइन ऑफ a माइनस b की। तो ये क्या है 30, b क्या है 10 और यहां आपका अगर मैं इसको a मानू नीचे 10 को तो 2 साइन a कॉस a क्या हो रहा है साइन 2 a, a की जगह 10। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 साइन, ये आप देख रहे हो कि 30 माइनस 10 क्या हुआ 20 डिग्री और नीचे आपका साइन 2 इंटू 10 ये भी क्या हुआ 20 डिग्री, साइन 20 कैंसिल, आंसर आ गया 4। ठीक, तो ये था आपका IIT 2011। एक क्वेश्चन में आपको और कराता हूं, अब इसमें ये सम मल्टीपल फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे है ना AY2 से रिलेटेड वो भी काम आएंगे। चलिए सबसे पहले कुसेक ए का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ये 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं इसको अपन,
कॉट ए को लिख सकते हैं अपन कोसे अपॉन साइन ए इक्वल 11/2, या एलसीएम आपका हो गया साइन ए और इधर ये हो गया 1+कोसे। तो 1+कोसे का फॉर्मूला हो जाएगा 2cos² a/2 और साइन ए का फॉर्मूला आप जानते हैं 2sin a/2 cos a/2 लिख सकते हैं और इक्वल में चल रहा 11/2। तो ये 2 कैंसिल cos कैंसिल, cos अपॉन साइन हो जाएगा यहाँ पर cot a/2 इक्वल 11/2 ठीक। और अगर मैं cot को 10 में कन्वर्ट करूं तो इसका उल्टा हो गया 2/11। लेकिन क्योंकि आपको वैल्यू 10a/2 की नहीं पूछी थी, आपको वैल्यू पूछी थी 10a की, तो 10a का फॉर्मूला आप जानते ही हो, ये आपका क्या था 2 tan a/2 upon 1 minus tan² a/2 क्लियर। तो ये यहां पर मैं ये फॉर्मूला यहां लगा दूंगा, तो 2 into tan a/2 की वैल्यू क्या है 2/11 और tan² a/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया आपका 2 into 2 हो गया 4/11। ये आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 121 - 4 हो गया 117/121। 11 से ये आपका 11 बार जाएगा और ये 11 फोरजा हो गया आपका 44/117 ठीक। तो ये इस तरह से आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये पूरा वीडियो डिवोटेड था मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूले के, चैनल पर बने रहें। और ट्रिग्नोमेट्री का इसके बाद भी अपना एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं IIT एडवांस की 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा और उनके रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। और फिर इसके आगे अपना जो एक ट्रिग्नोमेट्री का एक दूसरा सीरीज स्टार्ट होगा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। तो इन सब का बेनिफिट लेने के लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स 11th 12th या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आप इसका जरूर बेनिफिट उठाने के लिए बोलें। थैंक्स फॉर